खबर शामिल करते हैं दादू से। तहसील मेहड़ के करीब गांव बेटो जतोई में पीपीपी रहनुमा यासीन नबी बख्श जतोई ने अपने पेट्रोल पंप पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि गुज़श्ता दिन बेटो जतोई के कुछ शरपसंद अनासिर ने सियासी मुखालफत की बुनियाद पर मेरे पेट्रोल पंप पर हमला करके तोड़फोड़ की और गाड़ियों को नुकसान पहुँचाया। उन्होंने इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि मेरे पेट्रोल पंप पर डकैती के वाकया के बाद हमारे लोग एहतजाज कर रहे थे तो बेटो जतोई के कुछ लोगों ने जबरदस्ती एहतजाज खत्म करवाने की कोशिश की। एहतजाज खत्म करने के इनकार पर इलाके के बाअसर पीटीआई के रहनुमा लियाकत जतोई के भाई साबिक एमपीए एहसान जतोई ने कुछ शरपसंदों के साथ मिलकर मेरे पेट्रोल पंप पर हमला कर दिया और तोड़फोड़ की और मुलाजमीन पर तशद्दुद करवाया। उन्होंने कहा कि सियासी मुखालफत गुज़श्ता तीन बड़े इंतखाबात में मुसलसल शिकस्त के बाद ज़हनी मरीज बन चुके हैं जो मुख्तलिफ हरबे इस्तेमाल करके तकरार को बढ़ाना चाहते हैं जिनसे हमें खतरा है। इस सिलसिले में कल मंगल को अदालत में तहफ्फुज के लिए पटिशन और होने वाले हमले का मुकदमा मेहड़ थाना पर दर्ज करवाऊंगा। उन्होंने आला हुकाम और सिंध हुकूमत से होने वाले वाकया की जांच कराकर तहफ्फुज फराहम करने की अपील की।